नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास जिले से है, जहां रोहतास जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज से शिक्षा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। शिक्षा संवाद कार्यक्रम प्रखंड तिलौथू शिव सागर में आयोजित किया गया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर डीएम नवीन कुमार, डीईओ संजीव कुमार तथा डीपीआरओ धर्मवीर कुमार ने संयुक्त रूप से किया। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मौजूद लोगों के बीच शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा, सरकार शिक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिसका लाभ लिया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मौजूद लोगों के बीच शेयर की। युवाओं की और उनके शिक्षा और उनके रोजगार और उनके नौकरी के लिए जो बिहार सरकार जो कार्य कर रही है और जिसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि अनेक विश्वविद्यालय से पास करके बच्चों ने आप लोग बैठे रहे हैं अच्छी शिक्षा, जितने भी अभिभावक हैं और छात्र छात्र हैं आप लोग बैठे हैं, आपके लिए जलपान का इंतजाम किया गया है। तो ये सभी बातों को बताएं, जितने भी अभिभावक और छात्र छात्राएं हैं उनको प्रेरित किया गया आगे बढ़ने के लिए। स्पेशली बिहार सरकार ने जो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो पेरेंट्स आप बैठे रहे हैं का लाभ दिया है, उसका लाभ उठाकर और जो अन्य प्रोत्साहन राशि यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेंथ पास करने पे 10,000 रुपया, इंटरमीडिएट करने पे 25,000 रुपया और नाइन्थ में आने के बाद साइकिल की राशि और अन्य चीज़ें जो दे रहा है, जिसका लाभ उठाकर बच्चे और जो हमारे बच्चियाँ हैं वो बेहतर शिक्षा हासिल कर रही हैं और रोजगार और नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, उसके बारे में बताया गया और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर। सर, जन संवाद के बाद शिक्षा संवाद क्या असर आने वाला है? देखिए, जन संवाद हम लोगों ने किया था जो गांवों के में जो लोग बिहार सरकार की जो आम योजनाएं हैं उसमें शिक्षा भी शामिल था, रोजगार भी शामिल था, उद्योग भी शामिल था, इसके अलावा कृषि की योजनाएं, पंचायत की योजनाएं, आम जनों के योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं, वृद्ध जन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या अन्य हमारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो समस्याएं बच गई हैं गांव में उसका निराकरण कैसे करना है, उसके लिए आवेदन प्राप्त कर रहे थे और उसका निराकरण भी हम लोग कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक हम लोग शिक्षा संवाद कर रहे हैं स्कूलों में अलग जलाने के लिए। आप जान रहे हैं कि विगत जो साल है 2023, उस साल शिक्षा विभाग में आमूल परिवर्तन बिहार सरकार ने लाया और 4 महीनों के अंदर 2 लाख से ऊपर की शिक्षकों की नियुक्ति की, जो कमी थी शिक्षकों की। अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, सभी विद्यालयों में कमरे बना रहे हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण था कि बच्चों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को ये बताया जाए कि कैसे क्या क्या योजनाएं आई हैं बिहार सरकार की और उसका लाभ बच्चे कैसे लें और उसका लाभ लेकर कैसे अपने करियर को बेहतर। सर, आगामी माह में सर बच्चों का एग्जाम है, सर क्या टिप्स देना चाहेंगे 12वीं 10वीं? नहीं, देखिए, एग्जाम बच्चों का एग्जाम है, एग्जाम को भी एक रूटीन वर्क की तरह लेना चाहिए और कभी भी प्रेशर में कोई काम हम लोग सही नहीं कर पाते हैं। यदि प्रेशर में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो काम बेहतर नहीं हो पाता है, हमारा जो मानसिक, हमारी मानसिक स्थिति होती है वो बेहतर नहीं होती। तो सबसे पहला तो ये आवश्यक है कि प्रतिदिन पढ़ने का, हम लोग बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और प्लानिंग करके पढ़नी चाहिए। जितना समय अब बच गया है उस समय को अलग अलग विषयों में, अलग अलग अध्यायों में उसको डिवाइड करना चाहिए और डिवाइड करके उसको पढ़ाई करनी चाहिए और जो पढ़ाई करें उसको पूरी करें, जो चैप्टर करें उसको पूरी तरह पढ़ें और इसके बाद पूरी नींद लें। नींद लेना आवश्यक होता है, 8 घंटे मिनिमम नींद लें, 7 घंटे मिनिमम नींद लें और नींद लेने के बाद उठें तो फ्रेश होकर पढ़ाई करें और बीच बीच में निश्चित रूप से अच्छा पौष्टिक आहार लें ताकि वो उनका मस्तिष्क और शारीरिक रूप से वो ठीक रहें। अभी जाड़े का समय है, जाड़े से बचें, तबीयत खराब होने के बाद पढ़ाई बाधित हो जाती है और एग्जाम के समय कूल होकर एग्जाम। वी टाइम न्यूज़ के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।